अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस, आज का सीन गाड़ी के रिलेटेड ही है और आज हम अपनी गाड़ी से रैप रिमूव करने जा रहे हैं। 12 बजे का टाइम दिया था दानियल भाई ने आ जाना हमारे पास, लेकिन अभी 11:45 हो चुके हैं और दानियल भाई का अभी तक कोई मैसेज वगैरह नहीं आया। आई थिंक सोए हो गए, तो मैंने कभी डिस्टर्ब ना करे, तब उनके वर्कशॉप के पास पहुँचेंगे फ़ोन कर देंगे। और बोनट भी चेंज करना है, अभी इसकी डिक्की भी चेंज करनी है और जितने हो सके उतने नाम भी लिखने हैं। तो दिखाते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन ये है कि ना यार, रात को निकलने की इतनी आदत हो गई है कि ना अब सुबह के टाइम निकलने की अब दिल ही नहीं करता यार। इतनी ट्रैफिक होती है ना, स्पेशली ये इधर चिपुर्जी वाली साइड में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, दिल ही नहीं करता। आज हमने गाड़ी की बैटरी भी चेंज करवानी है, माशाल्लाह 1 साल के बाद बैटरी ख़त्म हो चुकी है हमारी गाड़ी की। और क्या कहते हैं, कुछ स्टिकरिंग भी करवानी है। तो अगर अभी रिजवान भाई थोड़ा सा टाइम दे देंगे आज, तो रिजवान भाई का बड़ा बंद होगा, वरना कोई रैप उतार के चले जाएगा। तो दानिया साहब को मैं फ़ोन करने लगा हूँ, अभी तक उनका मैसेज नहीं आया। तो अभी विलेंशिया भी जाना है, वहाँ से अपने बोनट भी पकड़ना है, डिक्की भी पकड़नी है, तो काफ़ी काम है, तो चलते हैं। तो गाइस, 2 बज चुके हैं अपने सामने और मैं ज़रा 2-3 काम थे मुझे वो कर रहा था, तो काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो देखते हैं, अब रिजवान भाई इसलिए टाइम लिया हुआ था। और ये मैंने अपना बोनट शोनट रख लिया, ये कलर था मेरा जो कि नहीं हो पाया था। अगर ये कलर हो जाता, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाना था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेड ने भी मज़ा करा दिया है। लेकिन पेंट पेंट है रैप का, वो मज़ा नहीं आता जो पेंट का आता है, तो इसीलिए भाई अब मेरे दिल कर रहा है कि बस फाइट कर दूँ जल्दी से जल्दी। भाई का रोज़ा भी है और रोज़ा भी आहो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। क्योंकि मेरा जो रूटीन थी वो ये थी कि यार मैं तकरीबन कोई 3 बजे उठता था, 3-4 बजे। और अब देखते हैं दानियल भाई की तरफ, और दानियल भाई से मेरी बात हो गई थी, वो कह रहे मैं आ गया हूँ पहुँचो, तो हम जा रहे हैं बस फ़ौरन। अब गाइस, सीन ये है कि हम फाइनली 233 पे दानियल भाई के पास पहुँच गए हैं। अब दानियल भाई मेरा क्या स्प्रे ले लेंगे जिसे नाम वगैरह लिखने। जैसे ही आते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि बैटरी चेंज करवानी है कि रिजवान भाई के पास जाना है, तो वो जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते रहेंगे। देखते हैं, गाड़ी बाहर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं आगे। और तेरा भलो ये तो काफ़ी ज़्यादा ही रश लगा, फ़ोन करता हूँ दानियल को। सीन ये है कि ना, दानियल साहब को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही उठा रहे थे। अब उन्होंने फ़ोन किया 10 मिनट बाद, कह रहा है मैं वर्कशॉप के अंदर ही, मैं तब से बाहर बैठा हुआ था। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, फिर मशवरा करते हैं पहले क्या कुछ करें। और मुगीज ड्रोन भी आ रहा है, मुगीज ड्रोन से भी आपको मिलवाते हैं हम, और हमसे भी मिलते हैं मुगीज ड्रोन बड़े बंदे। और फिर देख काम स्टार्ट करते हैं। अरे बिग ब्लॉगर आए हमारे पास यार, मैं मुगीज भाई का सलाम कर दो यार अपने फैंस को। ये दानियल भाई आए हैं, इन्होंने काम कराना है यार, अपने फैंस को सलाम कर दिया। और ये साथ जुनेद भाई है, ये अपनी इंखें सेल कर रही है अपनी। तो गाइस, अभी ये गाड़ी मैंने पार्क कर दी है और अब बस अब उसपे नाम वगैरह लिखवाते हैं और फिर इसके बाद हम चलते हैं। जिसका डिक्की, उसका बोनट और डिक्की चेंज कर रहते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये 2-3 वेले बंदे भी आ गए हैं, सस्ते ब्लॉगर्स। अभी ये स्प्रे पकड़ लिया और हम गाड़ी पे करने लगे। तो अच्छा, सबके नाम शुरू करते हैं, पूरा पास आ गया। सबसे पहले दानियल अपने क्वालिटी बॉयज के अपने नाम लिखते हैं, चलो किसी कैंडल भी अपने, चलो छत पड़ी है।
ये लो यार, ये भी लिख लेते हैं, बड़ा सा नाम। दानियल भाई की हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी तो हमने कहा, अभी तो वो साइड साइड पर ही है, दरवाजे पर ही है यार। ये हमने दानियल भाई ने रबेल लिख दिया, अब्दुल्ला लिख दिया, ये मानूर लिख दिया, काफी 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 ज्यादा नाम लिख दिए। ये साइड पे पूरी भरी है यार, इधर क्या लिखना है यार, जिसने जो लिखना है 200 रुपया दे मुझे लिखवा ले। यूट्यूब में किसी भाइयों, काफी भाइयों ने कमेंट किया था कि मेरा नाम लिखो, तो उसमें मुकेश भाई जिस भाइयों का नाम बताएगा हम वो उसके लिख लेंगे। चलो मुकेश भाई, 5-6 बंदे बस। सुबहान सुबहान, ये तो अपना लौंडा सुबहान हो गया। फिजर जरा फोकस करे, पहले पापा का नाम तो लिखे ना यार। इरफान, अच्छा और क्या लिखना है? कमिंग सून, प्री क्रिकेट की टीम का नाम भी लिख दिया, मैंने प्रॉमिस किया था हम इधर लिख देते हैं। ब्लैक पेन पर और इधर लिख दो शैम्पू का नाम लिखना है इधर, उधर शैम्पू लिख दे। शैम्पू शैम्पू सीन ये है कि हमारे साथ मुकेश भाई है, अब हम जा रहे हैं, कहते हैं नट बोल्ट वगैरह वो बोनट डिक्की में जो चाहिए वो हमारे साथ डेंटर भाई जा रही है, तो वो सारा सामान लेके आएंगे। बैटरी तब तक मेरा ख्याल चेंज हो जाएगी, बैटरी हम ले आए हैं जाके, ड्राई बैटरी ले आए हैं, नाम शाम लिख लिए, अब हमने इसके बाद जाना रिजवान भाई के पास और सारा रैप रिमूव करके फ़ौरन घर इफ्तारी से पहले पहले। गाइज यार, ये मैंने अपने फैंस को डेडिकेट किए, लव यू ऑल माई फैन, ठीक है। पहले मेरा ये रैप होना था जो कि सर्दियों की वजह से और पेपर की अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हो सका था, तो इसलिए हमने रेड करवाया था, तो पीछे बस डिक्की चेंज हो रही है, डिक्की जैसे चेंज होती है तो फिर हम इंशाल्लाह रिजवान भाई के पास जाते हैं, फ़ौरन से स्टिकरिंग उतारते, सारे रैप उतारते, चेंज वगैरह करा के फ़ौरन घर जाते हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो गाइज फाइनली यार डिक्की भी चेंज हो गई, ओहो सॉरी बोनट भी चेंज हो गया, डिक्की भी ओरिजिनल लग चुकी है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं बाकी सारा रैप उतारने इसका, वैसे ऐसे कॉम्बो अच्छा लग रहा है, वैसे राइस लग रही लेकिन अच्छा लग रहा है। ये रिजवान भी उतारने लग गए रैप, ब्रेक कर दे, ब्रेक पे अंदर मटर उतार दे, आहो एक मिनट का तो आओ, अगर जरा ब्रेक हो गए मुझे लग रहा है हमें 10 महीने पूरी गाड़ी को खाली कर देनी। हाँ जो बाकी काम है मैं वो आपसे कल आगे करवा लूंगा, कोई मसला नहीं है, गाड़ी वैसी बड़ी गर्म हुई पड़ी है। तो गाइस फाइनली देख रहे 4 महीने रैप यूज किया है, माशाल्लाह फुल शाइन, कसी ने लास्ट टाइम कंपाउंड की थी गाड़ी और बड़े स्मूथली उतर रहा है। आ,
ये साइड तो तकरीबन हो गई है, उस साइड की रह गई है सारी। तो गाइस बहुत ज़्यादा रोदा लग रहा है, घर से तकरीबन निकले थे सारे 11:30 हो चुके हैं, घंटा रह गया अफ्तारी पे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी हमने रैप रिमूव करा दिया, बाकी जो काम है ज़रा छोटी मोटी स्टिकरिंग वगैरह वो हम कल सुबह या जब हमारा चक्कर लगेगा वो तब करते हैं। ये मेरे जवान भाई ने 10 मिनट के अंदर रैप उतार दिया पूरे का पूरा, गाड़ी पहचानी नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक थी, आई थिंक इधर से भी हो गया है, बैटरी इसकी चेंज हो गई है, वाइपर इसके चेंज करवाने लगा हूँ, और ये दरवाज़ा रह गया है, फेंडर है, पिछला बम्पर है, छत रह गई है। क्या लग रही गाड़ी जीबो गरीब गाड़ी जी, देख ले 540 हो गई है, 534 में आई थिंक सो के हमारा इधर का आज है, मैंने देखा ही था अफ्तारी है। मैं कहता हूँ आज मत बज गई है, एक तो सुबह सोया भी 7 बजे था और 11 बजे उठ के फिर काम करने लग गया हूँ यही यार। लेकिन इस बार में तो ऐसे पेपर उतारा, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी नहीं लगे पेपर उतर गया, दानी साहब ने तो हमें इतना टाइम लगा दिया, इधर तो ऐसे काम हुआ है फौरन। अब बाकी अब ये कुछ कार्बन फाइबर पार्ट्स करवाने, अपने वाइपर की रबर भी चेंज करवा ली है, ठीक है, फुल HD हो गया रिजल्ट, फुल साफ मज़ेदार मज़ेदार। तो स्टिकरिंग करवानी है, कुछ स्पीकर ख़राब हुए मेरे दो वो चेक करवाने हैं, मतलब काफ़ी उसके है, ढोलकी का भी मसला है, ये काम अभी ईद के बाद हो गए। और जो मैंने बोनट अभी उतारा ना स्टॉक बोनट लगाया, वो बोनट मैंने पेड़ उड़ने के लिए दिया, इंशाल्लाह बॉडी किट्स वगैरह अब न्यू लेते हैं जल्दी। तो बस यार मेरी हालत बहुत ख़राब होगी, मैं घर जाके बस अब लेटने लगा हूँ। अगर आपको भी छोटे सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें यार, और प्यार दो यार। आप लोगों ने इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में आपने इतना अच्छा आपने मुझे वो दिया था, क्या कहते हैं आउटपुट रिजल्ट आपने इतना अच्छा दिया था यार, आप तो यार मैं कहता हूँ दिल ही तो हो रहे हो आप लोग यार, इतने मतलब कम सपोर्ट कर रहे हो आप लोग यार, ऐसे थोड़ी होता है, सस्ती मेहनत कर रहे हैं तो यार इसको ज़रा सपोर्ट करो भाई को, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छे से अच्छे। तब के रुके हैं जबकि मैंने लास्ट टाइम व्लॉगिंग छोड़ी थी यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो मिलते फिर आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।